बंगाल के बॉर्डर वाले इलाके में मैं देवनगर नामक गांव में हूँ और यहाँ की सबसे बड़ी अगर एक समस्या है तो वो पीने का पानी है। और आप देखिए कि एक घर नॉर्मली ऐसे ही तालाब होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं गांव में, और उसमें बर्तन धोने से लेके और इस तरह की, मतलब हम जब एक एक प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं, हम लोग दिल्ली से आते हैं, और मुझे एक वाकया याद आता है कि बच्चों को ये तक पता नहीं था, जब मैं एक जगह शिक्षण संस्थान में पढ़ाया करता था जर्नलिज्म, तो बच्चों को ये पता नहीं था कि पानी जो है कहाँ से आता है। उन्हें लगता था पानी फ्रिज से आता है। आप जब हम हाइजीन और सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, और आजकल तो सैनिटाइज़र हाथ में लगा के और पूरा चला हुआ, आप सोचिए कि जो जर्म्स और कीटाणु और इस तरह की बातें होती हैं, वो इस तरह से जब प्लेट धुलता होगा, और ये आखिर ऐसी मजबूरी है क्यों? मैं विकास की बातें जब होती हैं तो ऐसे समयों पे विकास इसी तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह कहीं ना कहीं ठहरा हुआ है। और उसमें जब आप एक ढेला मारोगे, ऊपर से भले ही आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि थोड़ी सी, मतलब पारदर्शिता है, पारभाषिता जिसको बोल सकते हैं, कि थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंसी है, लेकिन एक ढेला जब मारोगे तो वो जो नीचे का सिल्ट, वो गंदगी जब ऊपर आती है, तो वो बताती है कि विकास कहाँ पहुँचा है। और ऐसे जगहों पे जहाँ 20-20, 25-25 घरों पे एक हैंडपम्प है, और हैंडपम्प के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे 1000 फीट जब बोरिंग की जाती है तब मीठा पानी निकलता है, 40-50 फीट पे आपको यहाँ पे खारा पानी निकलता है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पे आप 50 फीट के बाद जो समंदर का पानी निकलता है। ऐसा एक ट्यूबवेल 20-25 घरों के लिए होता है। आप सोचिए कि हर एक काम के लिए, चाहे खाना बनाना हो, कपड़े धोने हो, बर्तन धोने हो, लोगों को किस तरह की जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है कि पानी पीना भी एक स्ट्रगल है ऐसी जगहों पे। और फिर आप घर देखिए कि हमारी तरफ तो इसको डिस्को छप्पर बोला जाता है, उसके ऊपर टाइलें लगी हुई हैं, अभी अम्फन आया था, तूफान उसमें बह गया था। इधर घर देखिए कि मिट्टी का घर है, टाट जो होता है बांस का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर मिट्टी तोप के लोग बनाते हैं, और वो एक तूफान आता है गायब हो जाता है, और इनका कोई माए बाप नहीं है। कौन सी सरकार यहाँ पे क्या विकास कर रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम भले ही अलग अलग जगहों से आते हैं और विकास को लेके अलग हमारी परिभाषाएं हैं कि जीवन स्तर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब हम इन गाँव को देखते हैं और अब के गाँव जो बाकी जगहों पर गाँव को जो दिखाया जाता है, उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। कुछ गाँव शायद सत्ता की बेरुखी के कारण इसी तरह से कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, जहाँ खाने का बर्तन भी एक गंदले तालाब में धुल के आता है। ये वही बात हो गई कि हम गंदे कपड़े से साफ करना चाह रहे हैं। आगे भी हम और भी बातें करेंगे इसी गांव के बारे में, और भी एक दो गांव हम आपको ले जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि बंगाल आखिर 35 साल के कम्युनिस्ट शासन और उसके बाद 10 साल के ममता बनर्जी के शासनकाल के बाद भी आज कहाँ पे पहुँचा है, और वो किस स्थिति में है कि आज हमें हर घर के सामने एक तालाब तो दिखता है जो कि बंगाली संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उसी तालाब में कुछ बर्तन दिखते हैं जिसमें कोई खाना बनाता है, उसी में कोई खाना खाता है, और हम और आप उस युग में हैं जहाँ हम ऐसे करके सैनिटाइज़र हाथ पे लगाते हैं और कीटाणु मुक्त हो जाते हैं।